चारों का ना देखो जी है ना सामने आ गया। आप लोग सभी से मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये नया कटिंग है, एक भी साइगोन का ठूट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। कैमरा घुमाइए, पेपर के द्वारा फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि यहाँ हम 2000 पौधा रोपण किए। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी का कहना है कि इस जमीन में हम 2000 पौधा रोपण किए हैं। एक भी पौधा आपको सागवान का पेड़ नजर आ रहा है? कोई भी पेड़ दिख रहा है आप लोगों को? दिखाइए, घुमा दीजिए। ये आप लोगों को नया अतिक्रमण दिख रहा है? नहीं है, पुराना। ये वर्षों से का भी देखो फॉरेस्ट विभाग की देखो दुश्मनी निभाने का ये तरीका है। जहां पर कंप्लेन दिया गया है कि गुरुडीही में लगे वृक्ष सागवान का पेड़ हमने DFO को आज तक भेजे, कलेक्टर को भेजे हैं, उनको छोड़ के दुश्मनी निभाने के लिए इस जमीन में वर्षों से काफी जिनके पास पानी का भरना PUR पर्ची पंचायत द्वारा प्रस्ताव हर चीज रहते हुए ये दुश्मनी निभाया जा रहा है। और हम यहाँ बैठे अधिकारी, कैमरा उधर घुमाइए, देखिए किस तरह से यहाँ दुश्मनी निभाने के लिए यहाँ लगे साग सब्जी पेड़ पौधे यहाँ चोरी करके, यहाँ हजारों का संपत्ति थी, इसमें ड्राम और घेरा को तोड़ दिया गया है, उसको चोरी करके ले गए हैं, जिनके वीडियो और मेरे पास में वो पड़ा हुआ है, फोटो है, चोरी करके फॉरेस्ट विभाग के द्वारा चोरी करके मेरे घर हाजिरी में, मैंने जमीन कार्य के इसके घर जमीन मालिक के घर हाजिरी में घेरा को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है, हजारों पोल को नुकसान कर किया गया है, ये DPC तोड़ा गया है। और इनका ये कहना है, इनका ये कहना है सफ़ेद झूठ फॉरेस्ट विभाग की, ये कहना है पेपर के माध्यम से कि हम 2000 पौधा रोपण किए हैं। देखिए सफ़ेद झूठ, ये फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही देखिए, है ना, आप देख सकते हैं इसमें एक भी सागवान का पेड़ नज़र आ रहा है, सागवान का ठूट दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ चोरी करके ले गए हैं जितने भी यहाँ की सामान संपत्ति थी, यहाँ लगे पेड़ पौधे जितने भी थे, साग सब्जी का यहाँ लगा था, यहाँ सबको अपने चोरी के भावना से इन लोग ले गए हैं और ले गए हैं। जब्ती का मामला बता रहे हैं तो किसके सामने जब्ती किए हैं, पंचनामा दिखाएं मुझे। ये यहाँ का देखो लापरवाही फॉरेस्ट विभाग की। चलिए हम आके फॉरेस्ट विभाग के साहब से, आप सभी को नमस्कार, सभी फॉरेस्ट विभाग के सभी कर्मचारी को, एक मिनट रोक ले, चलो इंश्योरेंस थोड़ा दूरी बना के रखो। सर जी मैं भूषण साहू हूँ, भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री, और मैं इस जमीन का अतिक्रमण करने का अपराधी हूँ, आपके नज़र में अपराधी हूँ, है ना? अपराधी मतलब अपराधी होता है? हाँ अपराधी होता है, लेकिन आपके नज़र में हूँ। नहीं नहीं, दुनिया की नज़र में नहीं, दुनिया की नज़र वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, जो अपराधी है मतलब नहीं, आपके बोलने देखिए, सुनो ना, अतिक्रमण कर रहे हैं, हाँ अपराधी है, चलो ठीक है, इनका बचा। अब मेरे घर हाजिरी में सर आप तो एक तो घेरा को तोड़ दिए, चलो अपराध किया मैंने, मेरे पास में क्या सबूत है, मैं भी पेश करूंगा आपके पास। एक बार हमें पूछ लिया होता कि भाई तुम कैसे अतिक्रमण की हो, क्या की हो, देखो इस टेप से आपने नष्ट कर दिए हैं। दूसरा इसमें सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है कि पेपर में आज छपा है उंगरी के साथ में, इसमें 2000 पौधा हमने रोपण किया, एक भी हमको इतने सामने लोगों के सामने क्यों एक भी पौधा दिख रहा है? आप भी बताइए, दिख रहा है सर? आप बैठे हैं यहाँ पे, एक पौधा दिख रहा है यहाँ पे जी? आप ही लोग तो बता रहे हो सर, 2000 दिखा रहा हूँ पेपर में आपको, 2000 पौधा रोपण बता रहे हो आप, तो हम वही देखने आए हैं, हम भी पेपर के माध्यम से बुलाएंगे, प्रेस वार्ता आएंगे। जमीन मैं हूँ कार्यकर्ता, चाहे आप मुझे अपराधी समझिए, कब्जाधारी समझिए, वो कागज़ हम देंगे ना सर, वो तो हमको आपको मांगे नहीं ना, डायरेक्ट आके धड़धड़ा के तोड़ दिए आप, एक बार हमको मांग लेते क्या क्या तुम्हारे पास प्रूफ है, मैं दिखाता सर। अचानक हमारे इतना घेरा तोड़ दिया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से झोपड़ी तान रहे हो आप, कीजिए आप अपना काम कीजिए, है ना। मैं आपसे जवाब ये पूछ रहा हूँ सर जी, ये कोर्ट का मामला है, मेरे पास में PUR है, पानी का भरना है, पंचायत का प्रस्ताव पत्र है, कितना ठूट है इसमें आप दिखाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो बना के जितने भी ग्रामीणों को लेके आया हूँ सर, आपका काम आप कीजिए, है ना। और कुछ मैं गलती अगर बोल रहा हूँ क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे उस दिन भी मुझे धमकी मिली है, मैं वीडियो बना के DFO साहब को भेजा है, पेपर में भेजा है, केंद्र तक बात गई है, हमारे भी और कुछ लोग आएंगे यहाँ, तो मुझे धमकी मिली है आपके फॉरेस्ट विभाग के कि भूषण साहू को मैं जान से मार दूंगा, समझ गए सर?
ये अच्छी बात है कि आप बताइए। दूसरा बात जो मैंने वीडियो रखा है सर, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सागौन अतिक्रमण अभी सुबह से शाम तक कटिंग हो रहा है, जिसका वीडियो भेजा हूँ, उसको आप कुछ करने नहीं जा रहे, और यहाँ जो वर्षों का काबिज है उसको आपने उखाड़ के फेंक रहे, मैंने कुल मिला मेरे से दुश्मनी ले रहे हो आप लोग, क्या नहीं? देखिए सर, बताइए, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिनका मैंने कंप्लेन दिया है सर, उसमें जाना चाहिए। हमको पता है डीओपी की कुर्सी जाएगी इसमें, इसीलिए ये छोटे कर्मचारी को निपटा रहे हैं। क्या मजाल है जो खुमरी का, बताइए आप, कि किसी से जाके 70,000 रुपए में सौदा करता और इस बाजू में वो जांच जब होगा। एक मिनट सर, आप चुप रहिए, मैं आप इनसे सवाल कर रही हूँ, आपसे पूछूंगा, आप बताएं। नहीं कृपा, आप शांत रहिए, ये यहाँ पे अभी हाँ तो ठीक है ना सर, जो आप जो बताएंगे आप शांत रहिए, मैं जो आपसे भी पूछूंगा, मैं एक एक करके बात करेंगे। जी नहीं सर, जी नहीं सॉरी, देखिए सर आपने बड़े अधिकारी देखे हो, इसलिए मैंने पहले चर्चा किया, ठीक है? नहीं आप देख तो रहे हो ना, दिख रहा है आपको पौधा एक भी दिखाई। आप कैसे बोल दिए सर फॉरेस्ट का है? नहीं है फॉरेस्ट का, मैं कोर्ट में दिखाऊंगा सर, मेरे पास वही तो मैं बोलने आया हूँ, तो ठीक है ना, है ना, कोर्ट में हाँ, वही जानना था हमको, नियम सबके लिए एक बराबर बना भाई, ऐसा नहीं है जो 200 साल से कमा रहे हैं खा रहे हैं, आप उनको आके अपना मनमानी कर दे भाई, एक बार पूछना तो जरूरी समझना था। छोटे अधिकारी चलो सर, तो नए हैं आप लोग, तो पुराने आप लोगों को तो जानकारी होना चाहिए। आप जो वीडियो वायरल किए थे ना उसके आधार पे, चलो ना, मैं तो वहाँ का किया हूँ, यहाँ का किया हूँ, मेरा किया हूँ, क्या बताइए ना, मेरा कोई कंप्लेन हो तो आप बताइए ना, मेरे को क्या बात बता रहे हैं, बताओ ना। वीडियो वायरल किए हो ना, हाँ, उसके आधार पे उसको अभी निलंबित किया है, उसका छानबीन मतलब जांच करेंगे, हो गया है निलंबित, जांच करेंगे, वहाँ भी चलिए ना, ठीक है, वो सब जगह जाएंगे, सब जगह यहाँ पे है ना, वो बड़ा रकम है, तो कहाँ जाओगे आप लोग, वो जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वहाँ सब जगह, हाँ बिल्कुल सब जगह जाओ, नियम सबके लिए एक बराबर बनाइए आप लोग, ऐसे नहीं है कि लेकिन ये वर्षों का काबिज जहाँ देख रहे हो, जहाँ साग सब्जी लगे घेरा तोड़ रहे हैं, बताओ मेरे सामान, अच्छा ठीक है सामान भी ले गए, जब्ती कर लिए, पंचनामा बनाए होंगे किसी का, मैंने आपका मरमर्जी फरेश विभाग का किसी का सामान उठा लोगे, किसी का तोड़ दोगे, इतना मनमानी बना रखे आप लोग। चलिए मैं पूछने आया था और देख रहा हूँ, चलो कितना 2000 पेड़ का हम लोग इतने सब दिखाएंगे, 2000 इतना फर्जी काम, सफेद झूठ फरेश विभाग का, देखिए ऐसा यहाँ का गृहस्थानी है, करिए आप लोग अपना काम कीजिए, दिखा दे पूरा 2000 एक गड्ढा को दिखा, सरकार को भेज दिया 2000 वहाँ, सरकार अंदर बेच चुके हैं, पूरा भीगत निकालता हूँ, पुराना हिसाब के रिकॉर्ड पड़े हैं। अभी तो तुम एक ही मैंने